जो गर्मी का मौसम है, उस गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल जन्नत सी फील होती है। तो गाइस स्वागत है आपका डे टू में। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फूड एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो बनारस के अंदर खाना काफ़ी अच्छा मिलता है और कहते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है, जो पतली पतली गलियों के अंदर मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे फूड सर्व कर रहे हैं। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग वही छोटी छोटी पतली पतली गलियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा बनारस का अच्छा खाना हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड क्योंकि हमारे साथ आज यहाँ पे एक लोकल भी है जो मेरी हेल्प करेगा ये जानने में कि जो बनारस के लोकल लोग हैं वो एक्चुअली में क्या खाते हैं, तो वही चीज़ें हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस लगभग 2.5 किलोमीटर के एक पैदल वॉक के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे चौक पे, जहाँ पे लक्ष्मी चाय वाले की शॉप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आप यहाँ पे बनारस आते हैं तो यहाँ के चाय के बारे में आपने ज़रूर सुना ही होगा। तो वहीं पे सुनते सुनाते हम लोग भी पहुँच चुके हैं। जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि दो चीज़ें यहाँ की काफ़ी फेमस है, एक है मलाई टोस्ट और दूसरा है सिजीरियन टोस्ट। तो दोनों ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए जल्दी से अपने ऑर्डर को आने देते हैं, फिर ट्राई करते हैं और ट्राई करके देखेंगे कि कितना अच्छा है। तो मलाई टोस्ट हमारे हाथ में आ गई है, एज़ यू कैन सी कि काफ़ी अच्छे से मलाई यहाँ पे लोड करके दिया हुआ है, बिल्कुल लोडेड ये मलाई टोस्ट है। और जो मेन वजह है इस टोस्ट की अच्छे होने में वो है इसको जो पहले ही सेक दिया था, वो उस वजह से ये काफ़ी क्रंची लग रहा है। एंड जो बेस्ट USP इस टोस्ट की है वो ये लग रही है कि जो मलाई है बिल्कुल सॉफ्ट है, उसके अंदर बिल्कुल कड़क सा ब्रेड है, तो दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा आता है। और उसके ऊपर जो चीनी थोड़ी सी स्प्रिंकल करी हुई है वो चेरी ऑन टॉप हो जाता है, इसलिए इन तीनों का कॉम्बो अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो चलिए मैं इसको पूरा इन्जॉय करता हूँ और फिर हम लोग अगले टोस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस मेरे हाथ में यहाँ पे आ चुका है मक्खन टोस्ट, जिसको सिजीरियन टोस्ट कहते हैं। और सिजीरियन कहने की वजह ये है कि ये जो टोस्ट है इसको बीच में से काटते हैं और काट के उसमें मक्खन फिल करते हैं। तो पूरी रेसिपी ये है इस टोस्ट की, पहले इसको थोड़ा सा आग पे बेक किया जाता है, उसके बाद फिर इसमें मक्खन भरते हैं और फिर से उसको दोबारा से आग के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल क्रंची हो जाता है। और इसको अगर आप बेस्ट इन्जॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट इन्जॉय करने के लिए इस क्रिस्पी टोस्ट को आप यहाँ की अच्छी सी गर्मा गर्म चाय के साथ इन्जॉय करें। तो जब चाय और टोस्ट दोनों को आप साथ में टेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड रीज़न बीइंग कि इसके अंदर अमूल मक्खन डालते हैं, तो अमूल मक्खन अपने आप में काफ़ी सॉल्टी फ्लेवर देता है और एक मीठी चाय के साथ वो सॉल्टी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे इस मक्खन के टेस्ट पे चार चांद देता है वो है इसके साथ का मसाला। आप चाहे तो मसाले में इसको डिप कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप मसाले को इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। तो जब सॉल्ट को आप इसके साथ थोड़ा सा स्प्रिंकल करके या डिप करके खाएंगे, उसके बाद जो टोस्ट है इसका फ्लेवर थोड़ा सा नमकीन की टेस्ट होगा और चाय के साथ आप इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। गाइस कल के लेट शुरुआत की वजह से ये छूट गया था, तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे आए हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर कचौड़ी एंड सब्जी। और ये जो जगह है वो लक्ष्मी चाय वाले के बिल्कुल नज़दीक है, सिर्फ वहाँ से 5 मिनट की वॉक करेंगे गली के अंदर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा रश है यहाँ पे शॉप पे, और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे 10:30 के आसपास पहुँचे थे, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे खाना ख़त्म होने वाला है। कल भी हम लोग यहाँ पे अराउंड 10:50 पहुँचे थे, तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो आपको यहाँ का टाइमिंग का बहुत आइडिया रखना पड़ेगा कि ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है, बट कोशिश कीजिए कि सुबह 10 बजे तक आप यहाँ ज़रूर आ जाएँ। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक पूरी मिलती है जिसको यहाँ पे कचौड़ी कहते हैं, और इसके अंदर दाल की स्टफिंग की हुई है। मैंने यहाँ पे पूछा था, इन्होंने बताया कि इसके अंदर दाल की स्टफिंग करी है और इसके साथ यहाँ पे सब्ज़ी दी हुई है, आलू की सब्ज़ी है और काफ़ी खस्ता कचौड़ी है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा सब्ज़ी के अंदर थोड़ा सा डिप करते हैं एंड देन इसकी बाइट लेते हैं। काफ़ी क्रंची है, आटे का बना हुआ है जिसकी वजह से तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप खाएंगे तो आई गेस सुबह के नाश्ते में ये आपके पेट को इतना तकलीफ नहीं देगा एंड आटा पचाने में भी बहुत इजी होता है। तो दैट्स हाउ इट्स अ वेरी गुड मील, इसीलिए हमने भी एक अच्छी चाय के बाद यहीं से अपनी शुरुआत भी की है।
तो गाइस कचौड़ी गली की पतली रस्तों को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ब्लू लस्सी पे। वैसे तो यहाँ पे सारी लस्सी अच्छी होती है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे मिक्स ऑर्डर किया हुआ है मिक्स फ्रूट, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो लगभग हर तरह के फ्रूट्स अगर थोड़े थोड़े से मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिहाइड्रेटेड भी फील करूँगा। तो ये जो लस्सी है इसको कुल्हड़ में सर्व किया हुआ है, काफ़ी लोडेड कुल्हड़ है ये। यहाँ पे थोड़े से ग्रेप्स हैं, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे थोड़ा सा पोमेग्रेनेट है, काफ़ी रिफ्रेशिंग चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है। और जब आप इसको खाएंगे, क्योंकि ये ऐसी लस्सी है जिसको आप पी नहीं सकते, आपको खानी पड़ेगी, तो जब आप इसको खाएंगे तो काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करता है ये। तो इसी रिफ्रेशिंग फील को थोड़ा सा मैं लेता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर निकलते हैं। तो गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है कि यहाँ पे पूरा जो इनका ब्लू इंटीरियर था पूरा कवर कर दिया है लोगों ने अपनी पिक्चर्स से। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप भी अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ लगा सकते हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एनीवेज आप यहाँ आते हैं तो बैठ के भी आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चिल भी करो, हैंग आउट भी करो और साथ के साथ आप लस्सी भी पियो। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं घूमते घूमते दीना चाट भंडार पे। काफ़ी फेमस जगह है ये और कहते हैं कि यहाँ की चाट बड़ी अच्छी होती है। तो हमने भी हमारे लिए दो चाट ऑर्डर किया है जो कि रेकमेंड किया था मेरे दोस्त ने। तो जो पहली चाट मैंने मंगाई है वो है पालक चाट और जो दूसरी मंगाई है वो है पापड़ी चाट। बोला कि टमाटर चाट भी अच्छी है बट सो है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो जो ज़्यादा रिकमेंड किया हुआ है उसी टॉप रिकमेंडेशन को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये है पालक चाट जिसमें पालक को थोड़ा सा बेसन में लपेट के फ्राई करते हैं। और इसके अलावा ये हमारी रेगुलर पापड़ी चाट है, पापड़ी चाट भी अच्छी दिख रही है। ऑलमोस्ट दोनों की जो प्रिपरेशन है एक जैसी ही है। सेम यहाँ पे उन्होंने दही डाली हुई है, हरी चटनी है, लाल चटनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मूली है एंड उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ते से इसको गार्निश किया हुआ है। और जो पापड़ी चाट है, पापड़ी चाट में बस ऊपर से थोड़ी सी अलग सी टॉपिंग्स दिख रही है। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं एंड टेस्ट करके पता लगाते हैं कि टॉप रिकमेंडेशन कितनी टॉप की है। वैसे तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा दही नीचे से उठा के इस पर डालते हैं कि पहली बाइट पूरी मिले और अच्छी बाइट मिले। एक्चुअल में पूरा मुंह भर जाता है, इतना बड़ा बाइट था ये। और यहाँ पे अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं तो इट्स गुड, चाट अच्छी है। और जो इसका पालक था, पालक काफ़ी क्रिस्पी है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। बट उस क्रिस्पी पालक के ऊपर जो थोड़ा बहुत मूली डाला हुआ है या फिर जहाँ पे थोड़ा सा दही को टॉपअप किया गया है वो अगर ऊपर से खाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इस पूरे चाट को अच्छे से मिक्स करके खाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बेटर टेस्ट मिलेगा। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा चटपटा खाने के शौकीन हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ऊपर से थोड़ा सा मसाला और ऐड करवा लें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी सटल टेस्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा पापड़ी चाट ट्राई करते हैं। वैसे तो पापड़ी चाट मेरा भी फेवरेट है। ये पापड़ी चाट भी मेरे हिसाब से जो बाकी पापड़ी चाट मैंने खाया है उनके जैसा ही है। और बोलो कि बहुत औसम है, बहुत अलग है, तो बहुत अलग नहीं है। जैसे यूजुअली चाट्स होते हैं वैसा ही टेस्ट है। बट हाँ, जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है, जो वेजीज़ वगैरह इसमें डाले हुए हैं, वेजीज़ यहाँ पे अच्छे डाले हुए हैं, फ्रेश है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। टेस्ट यहाँ पे भी इसमें भी काफ़ी सटल टेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा या स्पाइसी पसंद है तो ऊपर से आपको इसमें ऐड करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे चाट खाने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग का भी ख्याल रखिएगा। फिलहाल अभी ये जो रेस्टोरेंट है दोपहर को 2 बजे चालू होता है और शाम को 9:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और इसी बीच आपको यहाँ पे चाट मिलेगा। वैसा बात इतनी है कि मीठा चाट खाने के बाद हमें थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा गोलगप्पा भी ऑर्डर किया। तो
हैं जैसे आप विश्वनाथ टेम्पल में आते हैं जो BHU के अंदर स्थित है, तो यहाँ पे मंदिर के ठीक बाहर ही आपको कई सारी दुकानें यहाँ पे दिखेंगी जहाँ पे आपको अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी भी मिल जाती है। तो फिलहाल हमने भी ऐसी ही एक कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पे ऑर्डर करी है जो यहाँ पे ओम कैफ़े मंदिर के राइट साइड में है, वहाँ से ऑर्डर करी हुई है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मच नीडेड इतने गर्मी के बाद एक अच्छी सी ठंडी सी कॉफ़ी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। कॉफ़ी अच्छी है और इसके साथ जो आइसक्रीम डाला हुआ है उसका कॉम्बो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, गर्मियों में तो काफ़ी सही लग रहा है। एंड कॉफ़ी के अंदर जो ये आइसक्रीम डाली हुई है वो भी चॉकलेट आइसक्रीम है और जो कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी का अमाउंट है वो भी अच्छा खासा है, ये नहीं कि बहुत फीकी सी कॉफ़ी लग रही हो, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टेस्ट भी इसका अच्छा लग रहा है। इसलिए यहाँ की कॉफ़ी तो हम लोगों ने ट्राई कर ली लेकिन रिकमेंडेशन ये आई थी कि लंका में भी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो चलिए लंका चलते हैं और वहाँ पे भी एक कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। नक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चांद वो अचानक आ गई। तो गाइस दिल के शेप वाली कॉफ़ी लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक दिलदार सिंगर के साथ, इनका नाम है राजकिशोर जी। तो अगर आप लंका में आएंगे तो इनकी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे ये कोल्ड कॉफ़ी बेचते हैं और साथ में चाय भी यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ा था तो देखा कि यहाँ पे जो लोग आते भी हैं तो वो एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार कॉफ़ी पीते हैं, उनको लगता है कि भाई एक चाय या एक कॉफ़ी में हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और चाहिए। तो चलिए एक बार हम भी अपनी कॉफ़ी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा काम एक बार में चलता है कि नहीं चलता है। मुलाकात हो गई। गाइस अच्छी सी कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी लेकिन सिंगर साहब का गाना उससे ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए कॉफ़ी और गाना दोनों उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। अब यहाँ से आगे चलते हैं और पहलवान की लस्सी भी ट्राई करते हैं। तो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं गुरु रघुदास गेट के पास और उसी के पास यहाँ पे एक फेमस लस्सी की दुकान है जिसका नाम है पहलवान लस्सी वाला। अगर आप यहाँ इस चौराहे पे आएंगे तो आपको लगभग चार अलग अलग दुकानें दिखेंगी जो एक ही फादर के चार बेटों की है। अगर आप जेन्युइनिटी की बात करते हैं तो चारों शॉप्स जेन्युइन है, बट अभी फ़िलहाल जो हम लोग जिस जगह पे जिस शॉप पे खड़े हैं ये उनके बड़े बेटे की शॉप है। तो टेस्ट वाइज मुझे लगा कि अगर बड़ा बेटा है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फ़िलहाल जो ये लस्सी है इस पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दही के ऊपर काफ़ी अच्छी सी रबड़ी डाली हुई है एंड काफ़ी थिक सी लस्सी है, रबड़ी भी अच्छी है। एंड जब इस दही और रबड़ी का हम लोग स्वाद लेते हैं उसका स्वाद भी अच्छा आ रहा है। जैसे सुबह हम लोगों ने लस्सी पी थी तो वहाँ पे लस्सी पी नहीं पा रहे थे, खानी पड़ रही है, यहाँ कम से कम हम लस्सी पी रहे हैं। एंड प्राइस वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ का प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। और वैसे अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो उस टाइम पे शाम के टाइम पे अगर आपको गर्मी लग रही है तो ऐसी एक लस्सी काफ़ी अच्छी लगेगी, और डिनर के बाद अगर आप लस्सी पीना चाहते हैं तो उस लिहाजे से भी ये जगह काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। तो अगर लोकेशन वाइज बात करते हैं तो ये काफ़ी क्लोज है हमारे घाट से भी, तो अगर आप घाट से भी आ जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पे रुक के लस्सी पी सकते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे अपनी लस्सी ख़त्म करते हैं और हम भी निकलते हैं घाट की ओर। तो गाइस अभी चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे नई सड़क पे जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज है उसके ठीक सामने ये जगह है। मैंने ऑलरेडी एक लस्सी ट्राई कर ली है एंड सेकेंड लस्सी मैं ये पीने वाला हूँ। एंड जब आप लस्सी की प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर एक क्रीम की लेयर दिखती है, उसके ठीक अंदर आपको यहाँ पे मलाई दिखेगी और उसके नीचे रबड़ी डाली होती है और थोड़ा सा टॉपिंग के लिए यहाँ पे अच्छे से पिस्ता डाला हुआ है। जैसे आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो है ठंडक इस कुल्हड़ की। इसको फ्रिज में ये स्टोर करते हैं, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट ये आपको पीने के लिए देते हैं। तो ये जो गर्मी का मौसम है उस गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल जन्नत सी फील होती है। स्पेशल वाला इसका एडिशन है, स्पेशल वाले एडिशन में रबड़ी काफ़ी डाली होती है तो उसकी वजह से काफ़ी थिक हो जाती है ये लस्सी। तो थोड़ी सी रबड़ी और थोड़ा सा मलाई दोनों एक ही बाइट में लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और काफ़ी क्रीमी है ये, और इसकी जो स्वीटनेस है वो बिल्कुल बैलेंस है, ना ही ये ज़्यादा मीठा है ना ही ज़्यादा फीका है।
तो अगर आप इधर से बाय द वे गुजरते हैं या फिर अगर आप बनारस के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं तो इट इज़ माय रिकमेंडेशन कि आप अगर आते हैं इस एरिया में तो आप यहाँ की लस्सी भी ट्राई करें, क्योंकि कल ही मैंने ब्लू लस्सी भी पी थी। तो जब ये लस्सी मैं पी रहा हूँ तो चाहे वो ब्लू लस्सी हो चाहे वो पहलवान की लस्सी हो, उनसे कोई कम नहीं है ये। तो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, आप यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एक भोकाली फूड व्लॉग के बाद एक भोकाल टाइट एंड होना चाहिए था आज के बनारस के दिन का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं केशव तांबुल भंडार में, जहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध इंसान है ये जो यहाँ पे पान लगा रहे हैं। और इन्हीं से मैंने अभी बनारसी पान के बारे में थोड़ा सा पूछा एंड इन्होंने यहाँ पे एक तस्वीर भी लगा के रखी हुई है मोदी जी के, तो उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि मोदी जी खुद भी इनसे मिलने आए थे, अच्छा लगा ये जान के। और इसी के साथ हम भी एक अच्छा सा पान खाते हैं यहाँ पे और पान खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे घाट की ओर। तो जो यहाँ पे पान देख रहे हैं ये मीठा पान हमने बनारसी लगवाया है, इसका पत्ता कौन सा होता है? ये सब मगही पत्ता है। मगही पत्ता है। हाँ। की पान की जो खासियत है यहाँ पे हम लोग हर एक चीज केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग एकदम शुद्ध देसी चीज का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग यहाँ पर सादी पत्ती बनाते हैं ये अपने हाथ से बनाते हैं, कत्था जो बनाते हैं वह भी अपने हाथ से, चूना को भी फिल्टर करते हैं, जो एकदम शुद्धता पवित्रता को देखते हुए उसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये पान कहाँ से आता है? पान तो बिहार से गया से आता है, ऐसे बंगाल से भी आता है, उड़ीसा से भी पान आता है, ये बगल में हमारे एक देसी पान बोलते हैं प्रतापगढ़ से भी आता है, जौनपुर से भी आता है, कुछ पान बनारस में भी पैदा होता है उसका मतलब वह भी आता है। तो चलिए पान को मुँह में दबाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भरा हुआ, मुंह फुल हो जाता है एंड स्मेल अच्छी आ रही है। चलिए इसी अच्छे स्वाद के साथ दिन को ख़त्म करते हैं।